नमस्कार सभी को, मेरी तरफ से राम राम। आप लोग जेके मीडिया देख रहे हैं, जो लोग इस वीडियो को बाद में भी देखेंगे उनको भी मेरी तरफ से राम राम। एक बड़ी अच्छी खबर है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और भारत ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि पूरे संसार में सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर कोई देश है तो वो भारत है। सर्वश्रेष्ठ देश होने के लिए भारत ने पहले भी ये साबित किया, जब कोरोना काल शुरू हुआ तो कोरोना के समय सबसे पहले मेडिसिन जो है कोरोना की भारत ने ही यहाँ पर जो है लोगों तक पहुँचाई, और भारत ने ही सबसे पहले इजाद की कोरोना की वैक्सीन। उसके बाद अब भारत ने छोटे बच्चे जिनके लिए अभी कोरोना की वैक्सीन नहीं आई थी उनके लिए भी अब भारत ने वैक्सीन अप्रूव कर ली है। यानी कि 12 साल के बच्चे और 12 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों के लिए भी अब वैक्सीन अप्रूव हो चुकी है, जिसको अप्रूव जो है जाइडस कैडिला कंपनी को जो है अनुमति मिली है, और उससे जो है ये वैक्सीन अप्रूव हुई है। तो आने वाले दिनों में जल्द ही बच्चों के लिए भी कोरोना की वैक्सीन जो है मिल जाएगी, और बच्चों को भी कोरोना के इंजेक्शन लग जाएंगे, जिससे बच्चों की जान भी हम जो है बचा सकते हैं। और जो स्कूल ऑलरेडी नहीं चल रहे हैं उसका कारण ये है कि बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं हुई है, 18 साल के बाद के ही लोगों को जो है वैक्सीन लग रही है। तो उनके लिए एक अच्छी बात यह है कि जब उनको वैक्सीन लग जाएगी, दोनों डोज लग जाएंगे, तो उनके स्कूल जाने में भी आसानी होगी। जिस तरह से अभी स्कूल बंद हैं, कई जगह पर स्कूल अगर खुल भी रहे हैं तो वहाँ पर भी अभी कई सारे जो है केसेस कोरोना के आ जाते हैं, जिससे एक बड़ा ही खतरा फैलता रहता है। लेकिन इस बार भारत ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि यहाँ पर हर व्यक्ति, हर प्राणी के लिए जो है सोचा जाता है और उनकी पहली प्रायोरिटी होती है। और भारत ने ऐसा दूसरा कदम ये उठाया है, जब कोरोना वैक्सीन 12 साल के बच्चे और 12 साल की बच्चों के ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए भी यहाँ पर जो है अप्रूवल मिल चुका है, और आने वाले दिनों में वो वैक्सीन जो है बाज़ारों में आ जाएगी। और सरकार बाकी जिस तरह से 18 साल से 45 साल और 45 साल से उम्र से ज़्यादा के लोगों को वैक्सीन कोरोना की लग रही है, उसी तरह से अब छोटे बच्चों को भी वैक्सीन लग जाएगी, जिससे उनके ऊपर मंडराता हुआ खतरा कोरोना का ख़त्म हो जाएगा। ये एक बड़ी अच्छी खबर है, और मैं इसके लिए जितने भी साइंटिस्ट, जितने भी डॉक्टर्स काम कर रहे हैं वैक्सीन को बनाने के लिए, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए मैं मुबारकबाद दूंगा। और सबसे बड़ी मुबारकबाद क्या पात्र हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी सदारत में भारत देश ने दूसरी बार ऐसा बड़ा कदम उठाया है। हालांकि अभी भी कई लोगों को मुखालफत उनकी करनी ही है, क्योंकि वो आदत से मजबूर हैं, लेकिन जहां पर तारीफ़ करनी चाहिए वहां पर सबको मिलकर तारीफ़ करनी चाहिए, क्योंकि कोरोना से जंग लड़ने के लिए हम सबको एक साथ होना पड़ेगा, और हम सब हुए भी हैं। हालांकि हमने कई सारे लोगों को इस सारे कोरोना काल में खोया भी है, जो एक बड़ा दुखद रहता है, लेकिन इस समय हम लोगों ने कोरोना के चलते एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 12 साल के बच्चे और 12 साल के ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए भी अब कोरोना की वैक्सीन अप्रूव हो चुकी है, जल्द ही बाज़ारों में आ जाएगी और जल्द ही सब बच्चों को ये वैक्सीन लगा दी जाएगी, जिससे आने वाले दिनों में कोरोना से एक बड़ी जंग जो हम लड़ सकते हैं, जो एक खतरा रहता था, बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाता, बच्चों को बाहर नहीं लेके जाया जाता, क्योंकि कोरोना से बच्चों को इन्फेक्शन होने का बहुत डर है, क्योंकि बच्चों की जो इम्यूनिटी है वो उस तरह की नहीं होती, जिस कारण बच्चों को दिक्कत आ सकती है। लेकिन अब बच्चों के लिए भी कोरोना वैक्सीन बन चुकी है, और जल्द ही वो बनकर मार्केट में आ जाएगी, सरकार उसकी भी घोषणा कर देगी, अप्रूवल मिल चुका है, और सभी बच्चों तक वो वैक्सीन पहुंचा दी जाएगी, जिससे सभी बच्चों की हम जान बचा सकते हैं। तो फिलहाल भारत सरकार का इसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा, और पूरे संसार में भारत ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि एकमात्र ऐसा देश है जिन्होंने कोरोना की सबसे पहले वैक्सीन बनाई, और अब बच्चों के लिए भी कोरोना की वैक्सीन सबसे पहले भारत ही बनाएगा। धन्यवाद आप सभी को, मेरी तरफ से राम राम।